अपनी जमीन को जाने की शिकायत लेकर आया बुजुर्ग ग्रामीण बीनागंज निवासी नथुला अपनी जमीन की शिकायत लेकर आज तक कार्यालय पहुंचा। ग्रामीण का कहना है कि बाईपास बनने के समय उसकी कुछ भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, जिसका मुआवजा भी उसे मिल गया था, लेकिन बाकी बची हुई भूमि अब उसे कहीं नहीं मिल रही है। पटवारी द्वारा कंप्यूटर से उक्त जमीन से उसका नाम भी हटा दिया गया। बुजुर्ग का कहना है कि उसकी बाकी बची हुई भूमि दिलाई जाए। साथ ही बुजुर्ग का कहना है कि उसके साथ 230 पॉइंट जमीन थी, जिसमें से कुछ भूमि अधिग्रहण कर ली गई, बाकी जो अब कहीं नहीं दिखाई गई। हालांकि बुजुर्ग का कहना है कि उक्त भूमि रजिस्ट्री उसके पास है, साथ ही उसने किताब भी दिखाई, लेकिन कंप्यूटर से उक्त भूमि में उसका नाम हटा दिया गया। अब देखना होगा इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या प्रशासन वक्त बुजुर्ग की भूमि खोज पाएगा। 10-10 फीट की वो पट्टी उखाड़ के फेंक गए। ये आदेश है तहसीलदार को। समस्या ये लेके आऊँ, मेरी जो है नाम जमीन से उड़ा दिया गया है। कितनी जमीन थी आपकी? मेरी जमीन थी 230 थी, जिसमें से 38 पॉइंट तो चली गई बाईपास में, 133 पॉइंट 34 पॉइंट बची। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, नाम काटे थे पटवारी ने और जमीन के आपकी जमीन से नाम काट दिया। हाँ, और रजिस्ट्री में आपका नाम है? है। और कंप्यूटर में? कंप्यूटर में पहले वाला नाम है, अब नहीं है, अब खत्म हो गया भाई, अभी काटो। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत पूछी भाई मेरा नाम क्यों काट दिया गया। उन्होंने कहा तुम्हारी पूरी बाईपास में चली गई, तो बाईपास में चली गई तो मुझे तो 98 पॉइंट का पूरी हुआ मुआवजा मिला, मेरी बाकी 230 में से बाकी कहाँ गई। अच्छा, जो बाईपास में गई उसका मुआवजा मिल गया? मिल गया। कितना मिला? मिला 8,000 कछु मिले, ज़्यादा ध्यान नहीं है। अच्छा, तो उसके जो जमीन आपकी बची है और वो भी बता रहे हैं कि नहीं है? ख़त्म कर दी उन्होंने, जो मेरी ज़मीन बची थी वो ख़त्म कर दी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मुलक लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चा। अच्छा, तो आपने अभी कलेक्ट्रेट में बात करी? सब जगह कर ली, पूरे घूम रहे हैं, पूरे कागज धरे मेरे पास, कोई नहीं सुन रहा। और बोलो, आज भी कलेक्टर साहब के पास ही आई है, ये पर कलेक्टर की।